गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल प्रोग्राम्स, वेरी स्पेशल मेडिकल टॉपिक्स ऑन टेलीग्राम चैनल। मैं डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती आप सबके साथ, आप सबके आशीर्वाद के साथ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। एंड दिस इज़ द फर्स्ट मेडिकल वीडियो टॉपिक दैट वी आर गोइंग थ्रू। So, as per the public request, as per all the request of participants and public demand, today we are going to talk about female infertility caused due to corona lockdown all across the world, particularly in our countries. आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो ये है कि कोरोना लॉकडाउन के वजह से कैसे फीमेल्स के हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं जो पहले नहीं थे उतने ज़्यादा। ऑफ कोर्स लॉकडाउन से पहले भी देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फीमेल्स वर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ द हार्मोन और सेक्शुअल सिस्टम्स, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ये प्रॉब्लम कहीं आकार में बढ़ गया। तो काफ़ी टाइम लोग सोच रहे व्हाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये इतना बढ़ गया। बिकॉज लॉकडाउन के टाइम लाइक ऑल द मेल्स सेम वे द फीमेल्स वे रेस्टिंग एट होम, रिलैक्सिंग एट होम, बाहर का भाग दौड़, धूल मिट्टी, बाहर का खाना, बाहर का कोई स्ट्रेस, काम कुछ नहीं था तो घर में रिलैक्स कर रहे थे। तो भी इस ऑलमोस्ट 60-70 डेज ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया में किस कारण के वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या हॉर्मोनल इशूज़ या लाइक मेंस्ट्रुअल पीरियड प्रॉब्लम्स किस कारण से शुरू हो गए? जब कारण ही नहीं था तब कैसे शुरू हो गया? जब बाहर घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, काम, स्टूडेंट्स, कॉलेज, जॉब, बिजनेस ये सब था उस टाइम नहीं था, अचानक से कैसे शुरू हो गया? काफ़ी टाइम बहुत सारे हाउसवाइफ्स अभी इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया जो पहले नहीं थे। तो काफ़ी सारे लोगों में एक सवाल है देन वाई सडनली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर कमिंग अप विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, वाई सो मेनी लेडीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सडनली इन दिस 2 or 3 months ऑफ द लॉकडाउन टाइमिंग्स। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया। बट द इनफर्टिलिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द गायनोकोलॉजी एंड द ऑब्स्ट्रेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, द रिसर्च शोज द स्टैटिस्टिक्स हैज़ प्रूव्ड इट। सो स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया मोर देन 65% ऑफ फीमेल्स कम विद दिस प्रॉब्लम न्यूली, उनके ये सिम्टम्स, उनके प्रॉब्लम्स न्यूली शुरू हुए जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे। सो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस इज नाउ बिकम ऑल्सो अ पैंडेमिक, जस्ट लाइक कोरोना वायरस एक पैंडेमिक हो चुका है, फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो एक पैंडेमिक बन चुका है। बट वो क्यों और कैसे इस लॉकडाउन के टाइम किस तरीके से वो हुआ? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज मेड अप ऑफ सेल्स। तो शुरू होता है हर कुछ सेलुलर लेवल से, जिसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। कोशिकाएं बहुत सारे कोशिकाओं का मल्टीप्लीकेशन एंड ज्वाइनिंग की वजह से टिश्यूज़ होता है, और टिश्यूज़ के मल्टीप्लीकेशन एंड ज्वाइनिंग की वजह से ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम्स मिलके हमारा फाइनली ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो वन ऑफ द सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। वन ऑफ आवर वेरी की एंड मेजर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप सब लोग इस शब्द को जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं लिंग सिस्टम। शरीर का हर एक सिस्टम एक आदमी और एक लेडीज में सेम टू सेम होता है। द एवरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी फॉर ए मेल एंड फीमेल इज सेम टू सेम। योर लिवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, जॉइंट्स, मसल्स, आईज, हेयर्स, डाइजेस्टिव, इंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, जो भी हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है मेल्स एंड फीमेल्स में। सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग होता है, जिसके वजह से जेंडर has become a male and female because only of the reproductive system. So reproductive system ko hum log ek specialized system of human evolution kehte ya human revolution kehte, aap jaise bhi bolna chahiye, because that is the reason of which two genders are being classified into males and females. Isi wajah se ek males bana, ek male bana, ek female, ek aadmi bana, ek aurat bana. And this is actually you can say medical science or you know supernatural science or universe ka chamatkar, aap jis bhi language mein isko bolna chahe, but ये क्रिएशन के वजह से आज फ्यूचर क्रिएशन हो रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑफकोर्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, न्यूरोलॉजी सिस्टम है, जॉइंट मसल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स है, लिवर सिस्टम, किडनी सिस्टम, ऑल दी सिस्टम्स आर देयर। सेम वे वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं फिर से बोल रहा हूँ सबको, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन।
डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है दोस्तों? रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? सर्कुलेशन। तो ये शब्द को तो आप जानते ही हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे ऊपर इलाबोरेट होगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मतलब आप जानते हैं कोई नया चीज़ बनना। प्रोडक्शन मतलब जैसे एक फैक्ट्री में मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, एक मेडिसिन का हो रहा है, एक बॉटल ऑफ पानी का हो रहा है, कोई भी चीज़ का, एक कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चर होना। रीप्रोडक्शन मतलब बार बार मैन्युफैक्चर होना, रिपीटेडली मैन्युफैक्चर होना मतलब रीप्रोडक्शन। सो जैसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं ना, रीप्रोडक्शन मीन्स रिपीटेड प्रोडक्शन। सो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम रिप्रोडक्टिव है बिकॉज वो फंक्शन जो करता है वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का गहराई और चौड़ाई में, इन द डेप्थ एंड विड्थ में मतलब है रिपीटेड प्रोडक्शन। इन द डेप्थ एंड विड्थ वी कैन अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन मीन्स रिपीटेड प्रोडक्शन। रिपीटेड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? हम लोग इंसान क्या है? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली रिपीटेड प्रोडक्शन। एक बार इंसान धरती में पैदा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम द मैनकाइंड केम ऑन दिस अर्थ, दैट्स परफेक्टली राइट, बट हाउ दैट मैनकाइंड नाउ पास्ड ओवर ऑलमोस्ट 50,000 ईयर्स एंड अनदर 10, 20,000, 50,000 ईयर्स इफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट, मैनकाइंड विल बी ग्रोइंग इन नंबर, मैनकाइंड विल बी एग्जिस्टिंग इन नंबर, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो पहली बार एक आदमी और औरत का प्रोडक्शन हुआ था दुनिया में, दैट मीन्स दे गॉट बर्थ, फर्स्ट टाइम दे केम ऑन दिस अर्थ। बहुत सारा थ्योरीज है कैसे इंसान दुनिया में आया था, कैसे एक मैन और फीमेल दुनिया में आया था, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं। उस थ्योरीज के ऊपर बात ना करके उससे कैसे हम अभी तक पहुँचे हैं, और हमारा आने वाले 10-20 हज़ार साल तक अगर दुनिया रहा तो इंसानियत कैसे बढ़ेगा, ह्यूमैनिटी कैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशंस कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम कॉल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स रिपीटेड प्रोडक्शन। तो सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर या कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर हो, चाहे वो एक डॉग, इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ कैट, इट कुड बी अ फिश, इट कुड बी अ स्नेक, इट कुड बी अ टाइगर, इट कुड बी अ मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, बर्ड्स, एवरीवन, वी ऑल हैव अ रिप्रोडक्शन सिस्टम। मतलब एक जाति प्रजाति को बार बार आगे ले जाने वाला सिस्टम को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डॉग केम, अ कैट केम, अ ह्यूमन बींग केम, अ टाइगर केम, एम्फीबियन केम, रेप्टाइल केम, ऑल केम ऑन दिस अर्थ फर्स्ट टाइम, दैट वॉज अ प्रोडक्शन, बट रिपीटेडली दे कुड पास ओवर देयर जनरेशन, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन मतलब है बार बार रिपीटेडली प्रोडक्शन करने का पावर जिस सिस्टम में रहता है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों शायद मैंने जो लास्ट 2 मिनट से ये चीज़ को थोड़ा सा गहराई में समझा रहा हूँ, इसका जो इनर मतलब है, द इंटरनल मीनिंग ऑफ दिस डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज, इफ आवर रिप्रोडक्शन सिस्टम डैमेजेस, इफ आवर रिप्रोडक्शन सिस्टम गेट्स डिस्ट्रॉयड, डैमेजेस, गॉट अ इलनेस, दैट मीन्स वी कैनॉट मेक अ न्यू प्रोडक्शन एनी मोर। प्रोडक्शन वहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा जहाँ पर हम लोग हैं, आने वाले समय में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फॉर हैविंग अ न्यू बेबी यू नीड अ वेरी गुड स्पर्म, सेम वे फॉर हैविंग अ न्यू बेबी यू नीड अ लेडी, एंड ऑल्सो यू नीड अ वेरी गुड लेडीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू नीड अ गुड ओवरी टू मेक गुड ओवम, यू नीड अ गुड यूट्रस टू हैव दैट गुड ओवम एंड कंसीव एंड कीप द बेबी, दोनों ही चाहिए। तो आज जो टॉपिक में बात हम लोग कर रहे हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी सिस्टम, कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम व्हाई फीमेल इनफर्टिलिटी और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एक्चुअली इंक्रीज्ड, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे लोग चिंतित हैं। यू कैन नॉट बिलीव देर इज सो मेनी फोरम्स वेयर फैमिली एंड कपल फोरम्स वेयर मेनी हस्बैंड्स आर पोस्टिंग दैट माई वाइफ सडनली स्टार्टेड हैविंग दिस प्रॉब्लम, शी नेवर हैड, मेनी लेडीज आर पोस्टिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप थोड़ा जान पहचान में रहेंगे, थोड़ा आस पड़ोस में बात करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर पर्टिकुलरली यू नो यंग कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज गर्ल्स, हाई स्कूल गोइंग गर्ल्स, वर्किंग लेडीज who couldn't go to their colleges for last 2 months, who couldn't go to their schools, who couldn't go to their work, who couldn't socialize, bahar socialize nahi kar paya, housewives bhi bahar jaake socialize nahi kar paya, aas padosi rishtedar doston ke sath socialize nahi kar paye, koi entertainment nahi le paye, they really having this problem majorly, bahut zyada ye problem wo log face kar rahe hain। इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, किस कारण की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो रहा है? देखिए शरीर का हर एक जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम का एक चलने का तरीका होता है और एक बिगड़ने का तरीका होता है। मतलब वो सिस्टम बना, उसके बाद वो एक चलने का एक तरीका उसमें बना, और बहुत सारे बिगड़ने के तरीके भी दुनिया में बने जिसके वजह से वो सिस्टम बिगड़ता है। तो इन अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम को अगर अच्छे से रहना है, या बॉडी का कोई भी सिस्टम को अच्छे से रहना है, इट शुड बी एक्चुअली एक्टिव। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैड अ सर्टेन लाइफस्टाइल,
That means we used to go to our work, we used to go to school, we used to go to colleges, we used to socialize. मैं ladies, female side से बोल रहा हूँ. तो आप पढ़ाई करने जाते थे, all the my dear ladies friends पढ़ाई करने जाते थे, college में जाते थे, school में जाते, दोस्तों से मिलते थे, अपने काम में busy रहते थे, अपने business में busy रहते थे. उस time क्या होता था, आपका जो hormones एक एक्टिव स्टेट में रहता था दिन में जब आप काम करते थे, एक पैसिव और रेस्टिंग स्टेज में रहता था इवनिंग में, नाइट टाइम में जब आप रिलैक्स करते थे. मे बी सिक्स डेज इन अ वीक यू यूज टू गो स्कूल्स, यू यूज टू गो कॉलेजेस, यू यूज टू गो टू वर्क, यूज टू डू योर बिजनेस सिक्स डेज इन अ वीक. वन डे इन अ वीक इन संडेज यू यूज टू हैव अ नाइस रिलैक्सेशन, यू यूज टू हैव अ पैसिव स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स. तो हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो होते हैं, बॉडी के सब हॉर्मोन्स मेल एंड फीमेल के सेम होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो मेल और फीमेल में अलग होते हैं. सो दिस आर द टू हॉर्मोन, दिस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हॉर्मोन्स आर डिफरेंट इन द मेल्स एंड फीमेल्स. सो होता क्या है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमारे हॉर्मोन्स जो पहले एक्टिव और पैसिव का एक मिक्सचर में रहते थे या एक्टिव और पैसिव का एक बैलेंसिंग में रहते थे, दैट इज द करेक्ट बैलेंसिंग, ऐसा ही रहना चाहिए. वो क्या हो गया अचानक से इन द लास्ट 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज. सो यू कैन इमेजिन फॉर एनी लेडीज इन द लास्ट पीरियड साइकिल, दैट मीन्स योर 28 डेज और 30 डेज साइकिल और टू पीरियड साइकिल, दैट इज ऑलमोस्ट 56 डेज और 60 डेज ऑफ साइकिल, अचानक से आपका हॉर्मोन्स का जो लास्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स का जो बैलेंसिंग था एक्टिव एंड पैसिव, जस्ट इमेजिन एक ग्राफ ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा ही सिलसिला था लेट्स से फॉर 20 ईयर्स, ऐसा ही सिलसिला था लेट्स से फॉर 5 ईयर्स, ऐसे ही सिलसिला होना चाहिए. दिस शुड बी द थ्योरी दैट इट हॉर्मोन शुड बी समटाइम वेरी एक्टिव, समटाइम पैसिव, समटाइम वेरी एक्टिव, समटाइम्स वेरी पैसिव, अगेन एक्टिव, अगेन पैसिव, सम डेज वेरी एक्टिव, सम डेज वेरी रिलैक्सिंग एंड पैसिव. दैट विल कीप योर हॉर्मोन्स इन ए परफेक्ट पोजिशन, इन अ परफेक्ट बैलेंस, इन अ परफेक्ट हेल्थ. जस्ट लाइक ये गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे, ठीक से चलाएंगे, वो गाड़ी ठीक रहेगा, और गाड़ी को फिर थोड़ा टाइम रेस्ट भी देंगे तो गाड़ी फिर से ठीक होगा, फिर चलाने के लिए रेडी होगा. जस्ट लाइक आई टेक ए इंजन ऑफ अ कार, इफ यू गोइंग टू रन द कार वेल एनफ फॉर 100-200 किलोमीटर्स अ डे, इट्स गोइंग टू कीप वेल, देन अगेन यू पुट द कार इन अ रिलैक्सिंग स्टेज, इन अ रेस्टिंग स्टेज, द कार विल अगेन बी, यू नो, अगेन विल बी रेडी द नेक्स्ट मॉर्निंग टू रन. जस्ट लाइक हमारे बॉडी में एक्सरसाइजेस ले लीजिए, हम एक्सरसाइज करते, जिम करते, योगा करते, दौड़ भाग करते, उस टाइम हमारा बॉडी हीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पंप होता है, मसल सिस्टम पंप होता है, एंड जस्ट आफ्टर दैट जब आप थोड़ा टाइम रेस्ट लेते देन वो आपको बॉडी के लिए, बॉडी को फिर से रिजुविनेट करता है, एंड इट मेक्स योर बॉडी अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ योर रनिंग, योगा, जिमिंग और साइकिलिंग. द सेम वे हमारे हॉर्मोन्स में, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली ये टॉपिक फीमेल हॉर्मोन्स के लिए है बोल के मैं फोकस करके बोल रहा हूँ. यू सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेरी स्पेशल सिस्टम, अलोंग विद दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उसके ऊपर भी हमारे क्लासेस डेफिनेटली चलेंगे दोस्तों. बट वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन जो हॉर्मोन्स का जो एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव बैलेंसिंग स्टेजिंग था, वो एक्टिव पैसिव ना होकर पूरी तरह पैसिव हो गया. सो नाउ द हॉर्मोन्स ऑफ द फीमेल्स बिकेम कंप्लीटली पैसिव. यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेजेस, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क, यू आर नॉट सोशलाइजिंग. दैट मीन्स वॉट हैपन्स, योर मेंटल स्टेट हैज नाउ कम इन टू अ पैसिव. वेन द मेंटल स्टेट कम्स इन टू पैसिव, ऑटोमेटिकली बॉडीज हॉर्मोन्स विल ऑल्सो कम इन टू पैसिव. योर थायरॉयड हॉर्मोन्स, योर सेक्शुअल हॉर्मोन्स, योर पीरियोडिक हॉर्मोन्स, एवरीथिंग. सो ऑटोमेटिकली लेडीज व्हाट दे स्टार्टेड फेसिंग, जो फीमेल्स को पहले पीरियड्स ठीक टाइम पे आते थे, अचानक उनको पीरियड्स आने में प्रॉब्लम हो गया टाइमली आने पे. जिनको ब्लीडिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होते थे, अचानक कोई फीमेल्स को ओवर ब्लीडिंग हो गया या अंडर ब्लीडिंग हो गया. जिनको द लेडीज हु नेवर यूज टू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ वाइट डिस्चार्जेस और पेनफुल डिस्चार्जेस, सडनली उनको पीरियड्स में अभी वाइट डिस्चार्जेस, इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस शुरू हो गया. सो सडनली द फीमेल्स आर गॉट वेरी वरीड, योर हस्बैंड्स और योर फैमिली मेंबर्स गॉट वेरी वरीड, व्हाट इज एक्चुअली गॉन रॉन्ग विथ माई वाइफ और विथ माई सिस्टर और माई मदर और माई फ्रेंड, व्हाट इज एक्चुअली गॉन रॉन्ग. द होल लॉकडाउन हैज कॉज्ड अ लॉकडाउन ऑफ हॉर्मोन्स. अगर कोरोना लॉकडाउन को मैं बॉडी के अनुसार के हिसाब से बोलूँ तो कोरोना लॉकडाउन एक्चुअली हैज कॉज्ड अ लॉकडाउन ऑफ हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. बट फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है मोर देन मेल्स, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली सेंसिटिव, हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड. सो
जब कोई सिस्टम ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो तो उसमें थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा असर दिखाता है, जब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन ऐड करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ वेरी स्पेशल, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली बिकेम अ शिकार, बोलते हैं ना, शिकार बन गया इस कोरोना लॉकडाउन कॉम्प्लिकेशन का। एंड एक्चुअली इट बिकेम अ लॉकडाउन ऑफ हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स, जो फीमेल हॉर्मोन्स, यू नो, वॉज इन द डे जम्पिंग, इन द इवनिंग रेस्टिंग, अगेन द नेक्स्ट डे इट वॉज वर्किंग एंड जम्पिंग, अगेन द इन इवनिंग इट वॉज रेस्टिंग, वो कम्प्लीटली रेस्टिंग फेज में आ गया। जब वो कम्प्लीटली रेस्टिंग फेज में आ गया, जो आपके फीमेल ऑर्गन्स है, आपके ओवरी एंड न्यूट्रस, योर फीमेल ऑर्गन्स विच इज द ओवरी एंड न्यूट्रस, वॉट हैपन, योर ओवरीज एंड न्यूट्रस ऑल्सो केम इन अ फुल्ली रेस्टिंग फेज। मीन्स देर इज, when you are moving outside, you are socializing, you are studying, you are going to schools and college, you are working, you are sometimes moving around, that actually was the exercise for your uterus and ovary, for your organs of the called uterus and ovary, jisko bolte na bachchadani एंड ओवरी अंडे, उसके लिए एक एक्सरसाइजेस थे। पर वो एक्सरसाइजेस बंद हो गए, जब वो एक्सरसाइजेस बंद हो गए तो मतलब हॉर्मोन्स के एक्सरसाइज बंद हो गया। हॉर्मोन्स के एक्सरसाइज बंद होने से हॉर्मोन्स सो गए। अगर हॉर्मोन्स सो गए तो ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रॉब्लम्स जाग गए। आर यू एबल टू गेट मी, आर यू विथ मी माई डियर फ्रेंड्स? अगर आपके हॉर्मोन्स सो गए तो आपके अंदर नए नए प्रॉब्लम्स आ गए और जग भी गए। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपन टू माई डियर ऑल द फीमेल्स अक्रॉस माई कंट्री, अक्रॉस द होल वर्ल्ड। यू कैन सी द कोरोना लॉकडाउन एक्चुअली कॉज द लॉकडाउन ऑफ द हॉर्मोन्स in both males and females, but it reflected very badly, it affected more badly, I mean it got highlighted in a larger way in the females because of the highly complicated special and sensitive reproductive system. So dosto, aaj ye jo short video tha, what was reproductive system, something which can do reproduction, that means reproduce, that means bar bar production. So dosto, main ek hi baat finally bolna chahunga in this short video and speech ki इफ हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम बिगड़ गया तो और हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, मतलब हमारा जाति प्रजाति जनरेशंस फैमिलीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिसके जिस तक भी ये वीडियो पहुँचा है, डू अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड वन फैक्ट, दैट द लैक ऑफ नॉलेज, द लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, द लैक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, द लैक ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड द लैक ऑफ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ नॉलेज ही एनफ नहीं, और नॉलेज का डेप्थ और विड्थ अगर प्रॉपरली हमें हमारे हेल्थ के बारे में मिले, हमारे स्पेशल सिस्टम के बारे में मिले, आज आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मिल रहे हैं, अगर ये क्लैरिटी सिर्फ आप तक ना रह के, ये क्लैरिटी आपके द्वारा कहीं सौ कहीं हज़ारों तक पहुँच जाए, आई थिंक लोगों के अंदर का जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्लैरिटी में आ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स क्लैरिटी में आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स को लोग क्लियर भी कर पाएंगे, लोगों के अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में भी आसानी होगा, सोल्यूशन पाने में भी आसानी होगा। सो आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, समटाइम्स वी कैन नॉट हेल्प पीपल डायरेक्टली। सी आई एम अ सिंगल पर्सन हु इज मेकिंग दिस, हु इज गिविंग यू दिस स्पीच और गिविंग यू दिस ऑडियो एंड वीडियो, आई एम अ सिंगल पर्सन, आई कैन मैक्सिमम हेल्प 100 और 200 पीपल हुम आई नो डायरेक्टली, बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑल्सो नो 100 एंड 200 पीपल डायरेक्टली, देन अ लॉट ऑफ पीपल कैन बी हेल्प्ड बाई गिविंग देम द क्लियर नॉलेज, द डीपर वाइडर बेटर अंडरस्टैंडिंग कैन गिव देम अ मच मोर क्लैरिटी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, एंड इट विल गिव देम अ मच मोर क्लैरिटी अबाउट द सोल्यूशंस दे नीड। उनको क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन होना चाहिए, वो काफ़ी बेटर तरीके से समझ जाएंगे। आई थिंक वी ऑल आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे हम लोग भी सोच रहे हैं ये लॉकडाउन ने हमारे लाइफ को लॉक कर दिया, ये हमारे लाइफ को भी लॉकडाउन करके काफ़ी हद तक रखा है, काम को लॉकडाउन करके रखा है, लोग मेंटली फिजिकली लॉकडाउन से, रिलेशंस आर लॉकडाउन, फैमिलीज आर लॉकडाउन, बिजनेस आर लॉकडाउन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर लॉकडाउन, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, इवन हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी काफ़ी हद तक लॉकडाउन हुए हैं, एंड द मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अगर यही इफेक्ट, यही बैड इफेक्ट या कोरोना लॉकडाउन का लॉकडाउन इफेक्ट हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में चलता रहा, इट इज़ गोइंग टू कॉज अ पैंडेमिक कॉल हॉर्मोनल लॉकडाउन, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉकडाउन ऑफ द कमिंग जनरेशन, आने वाला जनरेशन का प्रोडक्शन लॉकडाउन हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू वन थिंग, लेट्स, इफ वी कैन नॉट हेल्प पीपल डायरेक्टली, लेट्स
हेल्प पीपल बाई गिविंग देम अ पाथ ऑफ हेल्प। अगर हम किसी को डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनको सहारा नहीं दे सकते, उनको सहारा देने का एक रास्ता ज़रूर दिखा सकते। काफ़ी टाइम सच्चा ज्ञान एक बहुत बड़ा सहारा होता है, काफ़ी टाइम साफ साफ और सच्चा ज्ञान एक बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो माई डियर फ्रेंड्स, इट विल बी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, शेयर दिस टू एज मेनी नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल। सिर्फ आप तक ही मत रखिए, आपके फैमिलीज में जितने भी लोग हैं डेफिनेटली उनके साथ बात कीजिए, उनको शेयरिंग कीजिए, उनको समझाइए, क्या पता चले। काफ़ी टाइम जस्ट 10 मिनट ऑफ योर काउंसिलिंग, 10 मिनट ऑफ योर एनलाइटमेंट कैन एक्चुअली एनलाइटन समबडीज लाइफ एंड कैन ब्रिंग ए लाइट टू समबडीज डार्क। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पार्ट ऑफ दिस चैनल। आशा करते हैं यही ज्ञान के चिराग को आगे बढ़ा के हम बहुत सारे अंधेरे घरों में, बहुत सारे अंधेरे जिंदगियों में, बहुत सारे अंधेरे शरीरों में चिराग जला सकते गुड हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आना ही जिंदगी में सफलता का सबसे पहला स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सक्सेस इन लाइफ इज टू हैव द ग्रेट हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही शक्ल के साथ और थोड़ा अकल के साथ। हैव ए ग्रेट डे, सलाम अलैकुम, नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लेट्स डू इट टुगेदर।